सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन, और मैं हूँ मौलिका शर्मा। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको ज्योतिष के उन पहलुओं के विषय में बताते हैं जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वो है टैरो कार्ड। वास्तविकता में किस प्रकार कार्ड के माध्यम से आप व्यक्ति के व्यक्तित्व की पहचान कर सकते हैं, इस जुड़ी तमाम जानकारियां लेकर आज फिर से हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई हैं टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सुनीता टैंक जी। तो चलिए शुभारंभ करते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम का, बात करते हैं सुनीता जी के साथ। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुनीता जी, सबसे पहले आप हमें बताएं कि ये टैरो कार्ड होता क्या है। जी जी, टैरो कार्ड बेसिकली कॉम्बिनेशन है 78 कार्ड्स का, और टैरो कार्ड के ज़रिए जीवन में किस प्रकार की घटना हो सकती है, होने वाली है, बेसिकली हम इसमें भविष्य के थ्रू आपका भविष्य जानने की कोशिश करते हैं। टैरो कार्ड में दो तरीके के कार्ड होते हैं, मेजर कार्ड, माइनर कार्ड, जिसके माध्यम के द्वारा हम आपके जीवन में घटनाओं को दर्शाने की कोशिश करते हैं। और टैरो कार्ड रीडिंग जो है, रीडिंग के थ्रू हम बताने की कोशिश करते हैं जिस प्रकार आपके एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में आपको आपके भविष्य, ग्रहों और सितारों के बारे में बताया जाता है, उसी प्रकार टैरो के ज़रिए, टैरो जो कि बहुत सारी चीज़ों को जोड़ता है, सिचुएशंस को, नेचर को, जो कि एक पर्टिकुलर कार्ड्स का कॉम्बिनेशन है, हर टैरो डेक में 78 कार्ड्स होते हैं, उसके थ्रू और टैरो रीडिंग के थ्रू हम टैरो को समझाने की कोशिश करते हैं। टैरो कार्ड का प्रचलन कोई नया नहीं है, ये बहुत पुराना है। 15वीं-16वीं सदी में ये स्टार्ट हुआ था इटली से, और उस समय ये बहुत ज़्यादा भविष्य के लिए बताने के लिए यूज़ नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उस हिसाब से 17वीं सदी, 16वीं सदी, 18वीं सदी तक आते आते बहुत लोग इससे जुड़े, और ये भविष्य में आने वाली आपकी घटनाओं को, आपके जीवन में पिछला क्या हुआ है, उस विषय में बताने में इसमें सक्षम और समर्थता आने लगी। टैरो कार्ड से बहुत ज़्यादा लोग अभी जानना चाहते हैं इस बारे में कि ये किस तरीके से हमें फ्यूचर बताता है। जिस हिसाब से भारत वर्ष में बहुत एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी से लोग जोड़ते हैं, उसी प्रकार टैरो कार्ड रीडिंग से, कार्ड्स के ज़रिए हम जितने भी प्रश्न होते हैं, आपके साथ जो घटनाएँ हो चुकी हैं, घटनाएँ होने वाली हैं, आपके जीवन में चल क्या रहा है, उस विषय में हम सारी जानकारी देते हैं। थोड़ा सा ये टैरो एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से यूँ अंतर रखता है, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में इंट्यूशन का उतना महत्व नहीं होता, लेकिन टैरो रीडिंग में, जो प्रोफेशनल टैरो रीडिंग है, जैसे मैं बहुत सालों से इसे कर रही हूँ, इंट्यूशन का महत्व रीडिंग में बहुत ज़्यादा होता है जी। आप किसी से मिलने के बाद उसके विषय में पहले ही जानने लगते हैं, और उसके साथ क्या चल रहा है और आपसे वो क्या प्रश्न करने वाले हैं, इसकी जानकारी भी आपको अपनी मेडिटेशन के द्वारा, जब आप टैरो से उसको जोड़ते हैं, तो उसका आभास, जिसे पूर्व आभास कहा जाता है, वो शुरू होने लगता है जी। देखिए, जब आप शुरू में इसे प्रयास करना शुरू करते हैं, तब तो किसी के लिए भी संभव नहीं है, लेकिन बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद और आपकी बहुत डीप इंट्यूशंस और डीप इंट्यूशंस बिल्कुल डेवलप होती हैं जब आप मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। कहा जाता है कि जितनी प्रार्थना करेंगे गुड़ से, उतना ही वो मीठा चलता चला जाएगा। जितना आप प्रभु की शरण में जाते चले जाएंगे, और इस चीज़ को आप एक सर्विस के माध्यम से जब जोड़ेंगे कि आपने जो आपके पास आया है उसके जीवन में सुधार लाना ही लाना है, तो बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद, जिस तरह मुझे 12-15 साल हो चुके हैं, बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद ये बिल्कुल संभव है, और ये टैरो कार्ड रीडिंग की नींव भी होती है जी। साथ ही साथ हमने देखे हैं कि कार्ड्स के साथ साथ आपने कुछ और चीज़ें भी रखी हुई हैं, वास्तविकता में ये क्या है, इसके विषय में भी आप हमें ज़रूर बताएं मैम। बिल्कुल, कार्ड्स के साथ हम, क्योंकि जो भी व्यक्ति आपके पास आता है या जब आप रीडिंग करते हैं, तो बहुत सारे भाव के साथ आता है। जब वो बहुत सारे भाव के साथ आता है, तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और इन क्रिस्टल्स के थ्रू उसके एनर्जी को क्लीन करने की प्रार्थना करते हैं, और जो भी
हमें टैरो रीडिंग में कोई छोटी मोटी ऑब्स्टेकल या कोई भी रुकावट आने वाली होती है जिसके थ्रू हमें वाइब्रेशंस आए या हमें कुछ जानकारी प्राप्त हो, उसको क्लियर करने में, उस पाथ को क्लियर करने में ये क्रिस्टल्स हमारी बहुत मदद करते हैं, और ये हम ज़रूर रखते हैं जब भी हम रीडिंग कार्ड अपनी स्टार्ट करते हैं। तो जी मैम, कई बार हमने देखा है कुछ लोग जैसे कार्ड्स के लिए आए आपके समक्ष, आपके पास, तो आप लोग एक पल के लिए थोड़ी सी आंखें बंद करते हैं, ध्यान करते हैं, वास्तविकता में ये क्या प्रोसेस है, ये क्या प्रोसीजर है, थोड़ा सा इसके विषय में भी आप विस्तारपूर्वक बताएं। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, जब भी कोई व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम 5 से 7 मिनट शांत रहने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद उस शांत रहने में भी एक प्रोसेस होता है। जब हम शांत रहते हैं तो हम उसकी ऑरा रीडिंग करते हैं। ऑरा रीडिंग होती है जो व्यक्ति के आसपास की एनर्जी होती है, उन एनर्जीज में उसका जीवन समाया हुआ होता है कि उस व्यक्ति के साथ किस तरीके की परेशानियां चल रही हैं और वो किस कारणवश आपके पास आया है। तो टैरो रीडिंग से पहले का समय रीडिंग से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम उसकी ऑरा रीडिंग के जरिए उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। क्या ये प्रोसेस आप व्यक्ति के आने से पहले भी करते हैं? जैसे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो ध्यान में बैठते हैं अपने आप, अपना ऑरा सकारात्मक बनाने के लिए, नेगेटिविटी को दूर भगाने के लिए, क्या ये प्रोसेस आप भी अपनाती हैं? जी मैम, डेली बेसिस पे मैं अपनी मेडिटेशंस हमेशा जारी रखती हूँ, और 15-20 मिनट की डेली मेडिटेशंस हमारे लिए भी बिल्कुल ज़रूरी होती है। आप समझते हैं हम जीवन में रोज़ ही बहुत सारे लोगों से और भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि हमें अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग रखना ही पड़ेगा, और हमें अपने ऑरा को न्यूट्रल भी रखना पड़ता है ताकि हमारे कोई भाव उसकी रीडिंग में ना चले जाए। जी, ऑरा को स्ट्रांग कैसे रखने के लिए क्या करती हैं मैम आप? बहुत सारी मेडिटेशंस होती हैं, जैसे कैंडल लाइट से हम मेडिटेशन करते हैं, गायत्री मंत्र का रेगुलर जाप करते हैं, सनलाइट लेने की कोशिश करते हैं, मून लाइट लेने की कोशिश करते हैं, और इन क्रिस्टल्स के साथ हम थोड़ा समय व्यतीत करने की कोशिश करते हैं ताकि जितने भी हमने पूरे दिन में जितनी भी एनर्जीज लोगों से गेन करी हो उसको हम निकाल सकें अपने शरीर से और अपने ऑरा को क्लीन कर सकें, ताकि हम इसकी तैयारी करते हैं हम रीडिंग के लिए सक्षम होने के लिए। जी सुनीता जी, जब लोग आपके पास आते हैं आप उनकी ऑरा क्या देखती हैं, कि इस व्यक्ति में नेगेटिव वाइब्स हैं या पॉजिटिव वाइब है, ये आपको पहचान कैसे करती हैं आप? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति में पॉजिटिव वाइब्रेशंस होंगी, पहली बात तो हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि व्यक्ति पॉजिटिव वाइब्रेशंस लेके आ रहा है या नेगेटिव वाइब्रेशंस लेके आ रहा है। हमारे लिए प्रैक्टिस में बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो आया है वो एक मदद की उम्मीद से आया है, और हमें अगर भगवान ने ये काबिलियत दी है तो हम उसके जीवन को सुधारें। तो जब भी हमारे पास कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आता है तो हमारी एनर्जी, ऊर्जा बढ़ती है, लेकिन जैसे ही हमारे पास कोई सिचुएशंस की वजह से ही लोग नेगेटिव वाइब्रेशंस के ऑरा में आ जाते हैं, तो उस समय हमारी एनर्जी जो होती है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि उस व्यक्ति के आसपास एनर्जी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। जी, तो जब आपकी डाउन होने लगती है तो उसके लिए आप क्या करती हैं? जब हमारी डाउन होने लगती है तो हम थोड़ी लंबी लंबी सांसें लेके अपने प्रभु को याद रखते हैं और जीवन में उनके आगमन को वापस से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्रभु आप हमारा थोड़ा और साथ दीजिए, और 5-7 मिनट का ब्रेक लेके हम फिर दोबारा शुरू करते हैं। जी, चूंकि ये ज्योतिष की ही पद्धति है, ज्योतिष में ही समावेश है टैरो कार्ड भी, तो हम चाहेंगे थोड़ा सा कार्ड्स के विषय में भी आप हमें विस्तारपूर्वक बताएं। बिल्कुल, किसी भी टैरो कार्ड को डेक तभी कहा जाता है जब उसमें टोटल 78 कार्ड्स होते हैं। 78 कार्ड्स को 2 मेन भागों में हमने डिवाइड करा है। 22 कार्ड होते हैं जिन्हें कहा जाता है मेजर आर्केना, और बाकी के कार्ड्स जो होते हैं उन्हें कहा जाता है माइनर आर्केना। 56 कार्ड्स होते हैं माइनर आर्केना में। मेजर आर्केना दर्शाते हैं जीवन में आपके कौन सी बड़ी घटना घटने वाली है, कौन सा बड़ा चेंज आने वाला है, कौन सा ऐसा चेंज आएगा जिससे आपका जीवन में एक मेजर परिवर्तन आएगा। तो 22 कार्ड करीबन एक पूरी जर्नी के मेजर चेंजेस लाइफ में, या आपके मेजर क्या घटित हुआ है, कुछ ऐसा जो आपके जीवन में एक प्रायोरिटी बेसिस पे हुआ होगा, उस चीज़ को मेजर आर्केना दर्शाते हैं। और जो बाकी के कार्ड्स हैं जिसे माइनर आर्केना कहा जाता है, जो बहुत छोटी छोटी घटनाएं हैं जिन कारणवश वो बड़ी घटना हुई होगी, या बहुत छोटे छोटे चेंजेस आपके जीवन में जो हुए होंगे, उसे माइनर आर्केना का रूप दिया गया है। जी मैम, कार्ड्स 22 ही क्यों, इससे जुड़ा भी प्रश्न का उत्तर आपसे ज़रूर जानूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक पर। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक विशेष बात भी बता दूं, यदि आपके जहन में भी कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, नीचे लगातार हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, आप उस आईडी पर संपर्क करके विस्तारपूर्वक जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मॉम,
जंक फूड? जी, करेला फिर से? चश्मा नहीं लगेगा। और जानती हो, हरी सब्जियां खाने से स्किन अच्छी रहेगी और ब्रोकली से इम्यूनिटी। रोज रोज वेजिटेबल्स खाओगी तो हेल्दी रहोगी। और मेरे बालों के लिए? हेल्दी बाल बनेंगे हर रोज प्योर रूट्स शैम्पू लगाने से। रोज? अपने बालों को रोज दीजिए वीट और सोयाबीन के पोषण से भरा प्योर रूट्स प्रोटीन शैम्पू, जिससे बाल बने मजबूत, सुंदर और घने। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है श्रद्धा दर्शन। और हमारे साथ हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है टैरो कार्ड रीडर डॉक्टर सुनीता टैंक जी, जो लगातार इस कार्यक्रम के जरिए ज्योतिष जुड़ा अद्भुत ज्ञान हमें बता रही हैं कि इस प्रकार टैरो कार्ड के माध्यम से हम अपने जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, अपने जहन के तमाम प्रश्नों के उत्तर बड़ी ही सरलता से, बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करेंगे सुनीता जी का। सुनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। धन्यवाद जी। सुनीता जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपसे पूछा था कि 22 कार्ड्स ही क्यों, ये आप हमें बताएं। 22 कार्ड्स की जर्नी बहुत ही अद्भुत है, रोमांचक है, और इसमें अगर आप जानेंगे तो आपको ज्ञान मिलेगा पूरे विश्व का। वो यूं कि टैरो कार्ड की स्टार्टिंग होती है बिल्कुल शून्य से, जब व्यक्ति जन्म लेता है। जब वो जन्म लेता है, जब वो बड़ा होता है, उसके जीवन में आगे घटनाएं आती हैं, परिवार बढ़ता है, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें ढलती हैं, और बिल्कुल अंत समय में वो एक पूरे जीवन को जब समापन लेता है। तो 22 कार्ड में जिस कार्ड से हमारी जर्नी शुरू होती है वो है द फूल, जिससे पता लगता है कि जीवन का स्टार्टिंग हुआ है, और एंड में जाते जाते हम उसको जब समापन करते हैं तो हमें ये पता लगता है कि पूरे जीवन में आपका जीवन किस प्रकार से चला, स्टार्टिंग से एंड तक। उस पूरी जर्नी में 22 कार्ड में ही वो सब कुछ समा जाता है। तो इन 22 कार्ड में होता क्या क्या है, ये भी आप हमें चाहेंगे थोड़ा सा विस्तारपूर्वक बताएं, कार्ड के माध्यम से बताएं। कार्ड्स जो होंगे उसमें मैं थोड़े से कार्ड्स आपको ही एक्सप्लेन कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स हम एक्सप्लेन करना संभव नहीं होता है। तो मैं थोड़े से कार्ड्स आपको जरूर उसमें एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। पहले देख लेते हैं। हाँ, देखिए, जैसे ये इस प्रकार का हमें कार्ड मिला है, इसे कहते हैं द हर्मिट। इससे प्रतीत होता है कि जीवन में आपके साथ जो चल रहा है, अब आपको थोड़ा रुकने की ज़रूरत है और ध्यान करने की ज़रूरत है कि आपके जीवन में क्या हो चुका है। इसे कहते हैं सेल्फ एनालिसिस या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। पहले आप रुकिए जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, और आप ये देखिए कि आपने क्या किया, क्या करना चाहिए था और आगे क्या करना है। इसका मतलब ये है कि आपको अपने अंदर झांक कर देखना है कि कहाँ कमी रह गई और आप क्या अच्छा कर सकते थे। आगे नहीं बढ़ना है, वहीं रुक जाना है जहाँ भी स्थिति पे आप हैं। इसी प्रकार हम एक दो और कार्ड्स देख लेते हैं जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। हम निकालते हैं मेजर आर्केना से कोई कार्ड। ये कार्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, और जब भी किसी रीडिंग में ये आता है तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव आउटकम का, वन ऑफ द बेस्ट पॉजिटिव आउटकम का ये कार्ड है, जिसे कहा जाता है द सन। किसी भी स्थिति में जब ये कार्ड आता है उसका अर्थ ये है कि आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसका जो आंसर है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो पॉजिटिव ही होगा और बिल्कुल आपके फेवर में ही होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा कार्ड है हमारे मेजर आर्केना से। जी जी मैम, यहाँ पर एक थोड़ा सा नेगेटिव प्रश्न में मेरा आ रहा है जहन में जी। काफ़ी सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि तुक्का लग गया, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, जब कोई भी आपके पास सामने किसी भी तरह प्रकार का प्रश्न लेकर आता है जी, तो ये तो प्रोफेशनल रीडिंग की काबिलियत है कि वो किस तरीके से उस नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में बदल देती है। ऐसे बहुत लोग हैं जो भिन्न प्रकार के विचारों से हमारे पास आते हैं, लेकिन जैसे जैसे तजुर्बा होता जाता है, विश्वास करिए मेरा, वो नेगेटिव भी अगर होते हैं तो वो पॉजिटिव ही होके जाते हैं, क्योंकि वो कुछ सीख कर जाते हैं और उन्हें ये भी बताया जाता है कि तुम ऐसे अकेले नहीं हो जो इस प्रकार के प्रश्नों के साथ आए हो या किसी दूसरे नज़र से आए हो। आप जब भी जाओगे यहाँ से पॉजिटिव चीज़ ही लेके जाओगे और कुछ
सीख कर ही जाओगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। बिल्कुल बहुत सुंदर, मतलब पॉजिटिव वाइब्स के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ ही हम वापस भेजते हैं और उन्हें ये बताते भी हैं कि जीवन में अगर उनका समय मूल्य है तो हमारा समय भी मूल्य है, बहुमूल्य है। बिल्कुल, और हमें ये बिल्कुल पता लग जाता है कि कौन किस विचारों से आता है। लेकिन क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारे लिए प्रोफेशनल सर्विस ज़रूर है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मेरा काम करने का तरीका है वो ये है कि जो भी मेरे पास आया हो वो मेरे यहाँ से सुधार लेकर ही जाए, चाहे वो थोड़ा सुधार हो चाहे बड़ा सुधार हो, पर सुधार के साथ जाए। बहुत सुंदर मैम, जितने भी लोग आपके पास आते हैं या फिर टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन को लेकर आते हैं, कितने परसेंट लोग ऐसे होते हैं जिनको उनकी जो जीवन में जो परिस्थितियां जो बनी हुई हैं, जो कठिनाइयां बनी हुई हैं, उसके हल तक पहुंचने में संभव हो पाते हैं? देखिए, जितने भी लोग रीडिंग के लिए आते हैं, हमेशा एक बात ध्यान रखें कि सॉल्यूशन सबके अलग अलग निकलते हैं जी। चाहे आपका नाम वही हो, चाहे आपकी डेट ऑफ बर्थ वही हो, क्योंकि बहुत सारे लोग उसी नाम के और उसी डेट ऑफ बर्थ पे भी ज़रूर हुए होंगे, तो ये हर जो भी रीडिंग लेने आता है, लेकिन वो इंसान तो यूनिक है, तो हर रीडिंग के लिए आपके सॉल्यूशंस अलग ही निकलते हैं। और विश्वास मानिए मेरा, जिस सॉल्यूशंस पर प्रभु की कृपा हो उस पे हमारे को सॉल्यूशंस मिलने और सुधार होना निश्चित है। जी जी सुंदर जी, जिस प्रकार से मैं आपसे बात कर रही हूँ बहुत पॉजिटिविटी आ रही है मेरे अंदर भी, मैं भी जानना चाह रही हूँ, उत्सुकता जागृत हो रही है। हाँ। थोड़ा सा हम चाहेंगे ये जो कार्ड्स के अलावा ये जो दूसरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, थोड़ा सा इसके विषय में आप हमें बताएं, क्योंकि हमने देखा है कि एक चीज़ ऐसी है जो ब्लैक कलर की है और साथ ही साथ एक वाइट कलर की है, ये क्या है विस्तारपूर्वक? जी जी, ये क्रिस्टल्स हैं अलग अलग प्रकार के। ये जो काले क्रिस्टल्स हैं इससे हमें नेगेटिविटी थोड़ी दूर करने में हमें मदद मिलती है, और ये जो सफ़ेद क्रिस्टल्स हैं इससे हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हमारे कार्ड्स को पॉजिटिव वाइब्रेशंस आने की पूरी पूरी हमारी प्रार्थना रहती है। और ये पिरामिड आप इस पे देख रहे हैं, इस पिरामिड का अर्थ ये है कि हमारे पास जो भी आए और हम जो भी रीडिंग करें वो एक अच्छी ऊर्जा लेके इंसान जा सके। और क्रिस्टल्स यही नहीं, बहुत तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, ये हमारे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन जो हमारी रीडिंग होती है और उसमें जो हमारे ऑरा की जो पॉजिटिविटी होती है वो एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। जी, बहुत खूबसूरत जानकारी हमने दी, लेकिन हम चाहेंगे चलते चलते संदेश स्वरूप भी ज़रूर आप कुछ बताएं। जी देखिए, मैं आप सभी लोगों को ये सुझाव भी देना चाहूँगी और ये प्रार्थना भी देना चाहूँगी कि आप किसी भी चीज़ को फॉलो करें, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो न्यूमरोलॉजी हो, चाहे वो टैरो कार्ड रीडिंग हो। जब आप टैरो कार्ड रीडिंग पे आते हैं तो ये मान के चलिए कि आप जिस भी मन से आएंगे वो मन का सुधार ज़रूर होगा। किसी भी चीज़ को, इन तीनों ही चीज़ों को आप अंधविश्वास के तौर पर आगे ना लेके जाएं। हर चीज़ में आप, स्पेशली अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग फॉलो कर रहे हैं, तो आपके सोच में सुधार होना अनिवार्य है। अगर सोच में आपके सुधार होगा तो आपके कर्मों में शुद्धता आएगी, कर्मों में शुद्धता आएगी तो प्रभु की कृपा ज़्यादा होगी, प्रभु की कृपा होगी तो आप कोई भी उपाय करें, या बिल्कुल समय कम है आज की दिनचर्या में, सबके पास समय कम है, आप 2 मिनट भी अगर भगवान का नाम लेंगे, विश्वास मानिए मेरा वो 1000 नामों के बराबर होगा। तो टैरो कार्ड के रीडिंग के जरिए आप अपनी सोच में अगर परिवर्तन लाएं तो उसी से आपके जीवन का 100% सुधार होगा। बहुत खूबसूरत जानकारी आपने दी, आपने विश्वास की बात बताई, और विश्वास व्यक्ति को हमेशा आगे की ओर अग्रसर करता है। सुनीता जी, आज भी आपकी तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, लेकिन एक विशेष बात आपको बता दें चलते चलते, यदि आपके भी जहन में कोई प्रश्न है, कोई क्वारीज है, कार्यक्रम के अंत में आप हमारा ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।